बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ्रोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है वाटर कैलकुलेशन। तो वाटर कैलकुलेशन, जैसा कि हम वाटर कैलकुलेशन किस में करते हैं, अपना जो सम्प होता है, सम्प में हम क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं वहाँ पर छोड़ते हैं, मतलब वाटर वहाँ पर ऐड करते हैं फॉर दी बाथिंग पर्पज़, कार वाशिंग पर्पज़, इसके लिए सबके लिए हम क्या करते हैं, सम्प में वाटर हम रखते हैं। तो एक सम्प है, समझ लीजिए यहाँ पर साइज़ दिया हूँ 10 फीट 10 फीट, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल यहाँ पे डाला हूँ, डीप में कितना है यहाँ पे 6 फीट। तो उसको कितना वाटर लगेगा, कितना वाटर लीटर आएगा, यहाँ पे डायग्राम भी है, हाउ मच वाटर इन सम्प हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से क्या कैलकुलेट करते हैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट। वॉल्यूम क्या है, 10 फीट 10 फीट, लेंथ ब्रेथ डेप्थ। लेंथ कितना है 10 फीट 10 फीट, ये कितना है 6 फीट 6 फीट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10 × 6 600 क्यूबिक फीट बोलेंगे इसको, ओके, फीट क्यूबिक फीट। तो नोट क्या है, 1 क्यूबिक फीट इक्वल्स टू, 1 क्यूबिक फीट कितना होता है, 28.34 लीटर्स ऑफ वाटर। तो नोट क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नोट है, 1 क्यूबिक फीट के अंदर 28.34 लीटर्स वाटर होता है। तो 600 के अंदर कितना वाटर होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, 600 × 28.34। तो यहाँ पे हो जाएगा 17,000 लीटर्स ऑफ वाटर हो जाएगा। कितना लीटर्स आएगा, वाटर क्वांटिटी यहाँ पे मिल चुकी है, वाटर इन सम्प, वाटर इन सम्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 600 है, ओके, 600 × 28.34 कितना आ गया है, 17,004 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे टैंकर में, जैसे कि एक टैंकर की कैपेसिटी है, होती है 5,000 to 10,000, तो टैंकर की कैपेसिटी ऑफ इंडियन टैंकर्स 5,000 liters to 10,000 liters ऑफ वाटर, ओके, 5,000 से लेके 10,000 तक। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 17,400 डिवाइड बाई 5,000 कर देंगे, ओके, 5,000 का एक टैंकर है, कितना आएगा देखिए, डिवाइड बाई 5,000 बोले तो 3.4 टैंकर्स आपको लगेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंकर, ये कैपेसिटी का 5,000 कैपेसिटी का आपको कितने टैंकर लगेंगे, 3.4 टैंकर लगेंगे। और ये सम के अंदर वाटर कितना आएगा, इसके अंदर जो लीटर आएगा वाटर्स, 17,004 लीटर्स ऑफ वाटर आएगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी वाटर कैलकुलेशन के बारे में थी। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या हमारे आप ब्यूटीफुल व्यूवर्स हैं, बिल्डिंग ओनर है या कॉन्ट्रैक्टर, आज की वीडियो पे आज पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल पे हमारे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, वहाँ पे नीचे कमेंट में आप न्यू वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप जो चाहते हैं वो वीडियो पे मैं टॉपिक अपनी बनाऊंगा, वो टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वीडियो को आप जहाँ तक हो सकता है हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर को शेयर करना मत भूलिए, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन का बटन रहेगा, बेल आइकन को बटन को इस तरह से
क्लिक कर लीजिए तो जितने भी न्यू वीडियोस रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर सेल्फ। बाय बाय।